हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं IMOU रेंजर 2 इंडोर सिक्योरिटी कैमरा। इस कैमरा को आप कहीं पे भी अपना स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हैं। इस कैमरा में बहुत सारी फीचर्स हैं, जैसे कि नाइट विजन है, 360 डिग्री व्यू है, स्मार्ट ट्रैकिंग है, ह्यूमन डिटेक्शन है, और एक खासियत है कि फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड होता है। इसका बाय लिंक हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, इस कैमरा को हम अनबॉक्सिंग करते हैं। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, मोटा सा है और गोल सा है। ये एक प्लेट है, इस प्लेट के ज़रिए इस कैमरा को आप दीवार में या छत पे लगा सकते हैं। ये इसका स्क्रू है। ये कैमरा का लैन पोर्ट है, ये पावर पोर्ट है। कैमरा को पावर देने के लिए माइक्रो USB केबल है। ये कैमरा का स्पीकर है। इसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाके IMOU लाइफ ऐप इंस्टॉल करना है। ऐप ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको एक्सेप्ट करके स्टोरेज लोकेशन को अलाउ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करना है। अपना कंट्री सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है और पासवर्ड आपका सेट करना है। अपना पासवर्ड यहाँ पे सेट करने के बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे इनपुट करना है। हमारा वेरिफिकेशन कोड आ गया है, इसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे आपको कैमरा को ऐड करने के लिए ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद स्कैन QR पे क्लिक करना है। स्कैन QR पे क्लिक करने के बाद कैमरा के पीछे जो QR है, उस QR को स्कैन कर लेना है। स्कैन करते ही हमारा जो कैमरा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद अपना फ़ोन का वाईफाई यहाँ पे ऑन करना है। उसके बाद कैमरा के पीछे एक पासकोड होगा, वो यहाँ पे एंटर करके कनेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लोकेशन ऑन करके नेक्स्ट करना है। देखिए हमारा जो डिवाइस है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट करना है। देखिए कैमरा आ गया है, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। देखिए हमारा जो कैमरा है लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। यहाँ पे आप कैमरा को घुमा सकते हैं, जिधर चाहो उधर घुमा सकते हैं। देखिए कैमरा घूम रहा है। हम यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड लगाएंगे। लगवा दिए हैं। यहाँ पे वीडियो क्वालिटी को हाई क्वालिटी करेंगे। रिकॉर्डिंग शेड्यूल हम कर सकते हैं, यहाँ पे कितने बजे से कितने बजे रिकॉर्डिंग होगा वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
ठीक है, हमें एसडी कार्ड लगाए हैं और यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है, रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे सेव हो रहा है। यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड को हम यहाँ से यहीं से फॉर्मेट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।